Hello, Amitabh. Welcome to this Hello. channel and thanks for joining us. तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस पीओ में. तो कौन से बैंक में हुआ है ये सबको बता दीजिए पहले. अच्छा. मेरा आप ही के बैंक में हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में। और बहुत खुश हूँ कि आपके कोइंसिडेंटली आपके बैंक के साथ मेरा बैंक भी चेंज हो गया। और आपके क्लासेस ने बहुत हेल्प किया है मैम, आपकी यूट्यूब की क्लासेस और अकेडमी की क्लासेस ने बहुत हेल्प किया है मैम। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू. तो सबको एक बार आप अपना नाम और आप कहाँ से हो ये बात बता दीजिए. मेरा नाम अमिताभ आचार्य है और मैं कोलकाता कोलकाता से हैं. ठीक है. तो अब अमिताभ आप ये बताइए कि देखिए आपका सिलेक्शन, जो मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा है अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, और इससे पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं ये सबको बता दीजिए कि ये जो आईपीपीएस मैम। पीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका मोस्ट प्रोबेबली रिजर्व लिस्ट का जो रिजल्ट आया था वहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है. तो इससे पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए थे इस सिलेक्शन से पहले ऑलमोस्ट? मैंने जनवरी 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अप्रैल 2022 में मैंने अकेडमी का कंस्ट्रक्शन लिया था। अच्छा. तो उसके बाद से जो लाइन से जो उसका आईबीएस का कैलेंडर रहता है वो मैंने फॉलो किया था। सबसे पहले मैंने आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया था। आरआरबी क्लर्क से मैंने अटेम्प्ट 60 किए थे, मेरा आई 62 थे और वेस्ट बंगाल कट ऑफ 72 गया था। फिर मैम मैंने आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया, उसमें मैम वेस्ट बंगाल कट ऑफ 58 गया, उसमें मेरे 53.75 आए थे। फिर मैम आईबीपीएस क्लर्क दिया, आईबीपीएस क्लर्क में वेस्ट बंगाल कट ऑफ 86 गया था, मेरा 83.75 आया था। और फिर मैम फाइनली आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया और आईबीपीएस पीओ में 49.49 कट ऑफ गया था और मेरा उसमें 61.75 आया था। मैम मैंने 64 अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैम मैंने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, एसबीआई क्लर्क भी मेरा क्लियर हो गया था, बट उसका मेंस मैम 5 मार्क्स से रह गया मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। अच्छा बट अच्छा अब मेरा उसके बीच में मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस भी क्लियर एग्जाम हो चुका था, 26 नवंबर को एग्जाम बन गया और उसका रिजल्ट जनवरी में आया था। तो उसका जनवरी में अब मेरा मेंस क्लियर हो गया था। मैम ओके ओके ओके. तो मतलब आपने काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं. तो काफी मतलब कई बार क्या होता है ना, लोगों को, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक ही एग्जाम दे उसमें सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं हो तो लोग अपसेट हो जाते हैं. तो यही बात मुझे पहुंचाना था एस्पिरेंट्स के सामने कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही एग्जाम दो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए. आपको क्या परसिस्टेंट रहन, मतलब परसिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है ना, और पेशेंस आप में रहनी चाहिए और रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए. ओके. तो आप एक बार अपना बैकग्राउंड अगर, हाँ बताइए. और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बैंकिंग कोई अगर एस्पिरेंट है तो ऐसा नहीं करना है कि मेरे को पीओ बनना है तो मैं पीओ के एग्जाम ही दूंगा, हाँ. या फिर मेरे को क्लर्क बनना है तो मैं क्लर्क के एग्जाम ही दूंगा। मेरे को सारे एग्जाम लेने हैं, ठीक है, सारे बैंकिंग एग्जाम देने हैं। सबका फॉर्मेट सेम ही होता है, थोड़ा डिफिकल्टी का थोड़ा अलग रहता है, बट बाकी सब सेम ही होता है। आपको सारे एग्जाम देने हैं। सारे एग्जाम्स देने हैं. सही बात है. तो अगर आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपने, आपका स्कूलिंग कैसा रहा है, इंग्लिश मीडियम से है या रीजनल बोर्ड से है, ये एक बार बता दीजिए एस्पिरेंट्स को. मैम स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय पास आउट हूँ मैम, मेरे पापा एयरफोर्स थे तो पोस्टिंग की वजह से मेरा केंद्रीय विद्यालय में मेरा स्कूलिंग हुआ है और केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होता है। और मेरा फाइनल ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में। सब मैम मैंने जोधपुर राजस्थान से किया था, मेरा स्कूलिंग 12th भी मैंने जोधपुर से किया था, मेरा ग्रेजुएशन भी जोधपुर में हुआ था। एंड फिर मैम 2019 में मैं कोलकाता आ गया था, फिर मैंने उसके अच्छा. बाद मैट्रिकुलेशन किया। ओके ओके. ठीक है. ओके. तो चलिए अब इतना. अब और एक चीज जो है ना, मेरे मन में जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिपरेशन के दौरान क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप बहुत लोनली हो, मतलब डिप्रेशन आ रही है कि पढ़ते पढ़ते, मतलब जो डिप्रेशन आती है, क्या ये कभी आपको महसूस हुआ? मैम बहुत बार हुआ है और ऐसा होता था कि मैम मेरे सारे फ्रेंड्स मैम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ है और उसके बाद से मैम फिर प्रिपरेशन में लग गया था, क्योंकि और मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्राइवेट में कहीं पे जॉब कर रहे थे। तो वो मैम एक आता था फीलिंग क्या, हर कोई कहीं ना कहीं पे एंगेज है एंड मैं घर पे हूँ अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एक लो पॉइंट आता था मैम हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे, एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन उसको टैकल करने के लिए मैम मेरे को गिटार और गाने का बहुत शौक है, तो
वो एक हॉबी मैम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर स्लो फील कर रहे हो तो आप अपना हॉबी आप निकाल लेके आप 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाओ, सिंगिंग कर रहे हो आप 15 20 मिनट बैठ जाओ, वो आपका माइंड बहुत ज्यादा काम कर देता है। और मैम आप इसी साथ मैंने एक चीज सीखा है कि आप एक आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें आपने कहा था कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप एक विजुअलाइज करते थे कि जब मैं ब्रांच में बैठूंगी मैं कस्टमर आएगा मेरे पास, कस्टमर आके मेरे पास बोलेगा कि ये आपको करना है मेरा FD कर दीजिए, KYC कर दीजिए, वो चीज मैं विजुअलाइज करता था कि मैं ब्रांच में बैठा हूँ और मेरे पास आके कस्टमर की KYC करना है, 400 डेज का FD करना है, इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो पूरा एकदम विजुअलाइज करता था। जब मेरे को गोल क्लियर दिखता था ना कि सिलेक्शन के बाद मेरे को ये करना पड़ेगा तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता था। तो उसकी वजह से मैं मेरे को उतना उतना कभी लोग भी मैं बिल्कुल डिप्रेस कभी नहीं होता था। मैं मैंने भी आपको अभी बताया कितने सारे एग्जाम्स मैंने मैम क्लियर नहीं हो रहा था, मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा प्री एक बार जब क्लियर होना स्टार्ट हो गया तब मैम फिर मेरा अच्छे से मेन भी क्लियर हो गया। मैंने फर्स्ट मेन था IBPS PO को, मेरा फर्स्ट टाइम ही क्लियर हुआ। ओके. तो बात यह है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं, मोटिवेशन हमारे अंदर ही होती है. हमें बस खुद को याद दिलाना है कि हम किस लिए, हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किस लिए किया है. ये बात अगर दिमाग में क्लियर है तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं. बाहर मतलब एक दो मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, मोटिवेटेड हो गया, इस तरीके से नहीं होता है ना. सबका सक्सेस स्टोरी अलग होता है। मैं किसी और का सक्सेस स्टोरी देखूँ तो हाँ वहां से मुझे कुछ अगर अच्छा पॉइंट मिल रहा है मैं उसको अडॉप्ट करने का ट्राई करूंगा, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि उसको उसको वैसे सक्सेस मिला है तो मैं भी उसको कॉपी करूंगा तो मुझे भी वैसे मिलेगा। हर किसी का लेवल अलग होता है, बल्कि हर किसी का चीजें प्रोसेस करने का लेवल अलग होता है। तो आप खुद से मतलब कि इंटरनली आपको मोटिवेटेड रहना है, हमेशा ये याद रखना है कि अचीव करने के बाद जो मैं गोल अचीव करूंगा उसके बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब हम लोग ना प्रिपरेशन के तरफ चलते हैं कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है. तो उसका पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि आपने किस मॉक टेस्ट सीरीज को आपने एनरोल किया था, कौन सा मॉक टेस्ट आप लगाते थे? मैम जिस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके लिए अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो मैंने प्रैक्टिस मॉक दिया था, अच्छा. क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का IBPS PO के मैंने प्रैक्टिस मॉक का मैंने मॉक दिए थे, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है एकदम, मतलब कि अच्छे लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एंड पॉइंट्स के भी अच्छे लेवल है। और बाकी जो क्लर्क के एग्जाम्स वगैरह है या फिर मेन्स की अगर मैं बोलूँ, मेन्स के लिए मैंने स्मार्ट किया दिया था। स्मार्ट कीरा लगाया था, तो आपने प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीरा ये दो ही आपने फॉलो किए थे आपके टेस्ट सीरीज. और आपने मेंस के लिए स्पेशली मतलब ऐसा कुछ था कि हफ्ते में इतने मेंस के टेस्ट लगाने हैं या दिन में एक लगाना है, तो मतलब कितना लगाया था आपने ऑलमोस्ट? प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है, क्या उस बीच आपने हर रोज मेंस के मॉक्स लगाए थे या कैसा था आपका शेड्यूल? मेरा ऐसा था कि मेरा मैक्सिमम फोकस था अनअकैडमी के क्लासेस पे, मैंने अंकुश सर को फॉलो किया, अंकुश नंबर 10, तो उनके जो मेन VI की क्लासेस होती थी या फिर मेन पदों की क्लासेस होती थी मैं मैक्सिमम फोकस उसी पे रखता था। मैं रात को बैठता था और मैम डेली मैं 2 3 क्लासेस देखता था, मेन पदों मेन VI मेन पदों मेन VI। और मैम जब एग्जाम मेन्स मेरा जब देखा कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया है तो प्री से लेके मेन्स के बीच में मैंने 4 मॉक दिए थे मैम विद टाइमर, क्योंकि मैम सबमिट करके मैं उसको बिलीव नहीं करता, मैं चाहता हूँ आपको वो हैबिट डेवलप हो कि आप बैठो 3 घंटा बैठो आपको होना चाहिए कि आप टाइमर के साथ उसको कर रहे हो, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाते हो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे, तो आप अगर घर से एक हैबिट डेवलप करेंगे बहुत आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है। एंड सेकेंडली मैम एक गाइडली का मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का एक मैंने मॉक लिया था 100 रुपीज का, तो उसका भी मैं जैसे ही मेरा मेन्स का मॉक खत्म होता था मैं इमिडिएटली गाइडली वाले मॉक को देता था। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. तो टोटल मैम ऑलमोस्ट मतलब 3 आवर में बैठता था और ये पूरा कंप्लीट सेशन होता था, उसके बाद मैं एनालिसिस में मैम 3 4 दिन देता था, जहाँ जहाँ मेरा प्रॉब्लम हुआ है मैं सॉल्व नहीं कर पाया या फिर सॉल्व किया गलत हुआ है, मैं वो 3 4 दिन 5 दिन मैं एनालिसिस को लेता था। तो मैम 4 5 मैंने मॉक ऐसे दिए थे और मैक्सिमम फोकस मैंने क्लासेस में दिए थे। क्लासेस पे लगाए थे, प्रैक्टिस सेशंस आप फॉलो करते थे, ठीक है. यस और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट क्या आप हर रोज लगाते थे? मैम प्रीलिम्स का मैं डेली करता था, अगर क्लर्क का है अगर क्लर्क का एग्जाम होता है तो क्लर्क का मैं डेली करता था, और पीओ का करता था तो ऑल्टरनेट डेज में एक एक क्लर्क एक पीओ एक क्लर्क एक पीओ करता था। तो प्रैक्टिस मॉक के मेरे सारे मॉक्स खत्म हो गए थे पीओ के, फिर मैंने स्मार्ट किरा का भी यूज करना स्टार्ट किया था तो स्मार्ट किरा के भी ऑलमोस्ट 10 मॉक्स मेरे हो गए। ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एस्पिरेंट से आती है वो ये है कि आप लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे दिन में? मैं अर्ली राइजर तो हूँ नहीं, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता था। हाँ, मैंने नोटिस किया था कि मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी ब्रेन का रात को होता अच्छा.
12 बजे के बाद मेरा एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। तो मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में वैसे भी अंकुर सर की 10 बजे क्लासेस होती थी, तो मैं क्लासेस करता था। उसके बाद आशीष सर से एक रिकॉर्डेड क्लास देख लेता था और मैं शाम तक मैं ऑलमोस्ट सारी क्लासेस निपटा देता था। फिर रात को मैम 12 बजे तक तब मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट होता था कि मैंने क्या, और सेल्फ स्टडी में मैम क्या कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था, पजल आता था उसको पॉज करता था, ट्राई करता था उससे सॉल्व करने के लिए, फिर सब्मिशन देखता था। तो सेल्फ स्टडी एज इन मैंने बुक से, कोई बुक से मैंने सॉल्व नहीं किया मैम, और मैक्सिमम मैं क्लासेस पे फोकस देता था। और क्लासेस रात को पे आपने करता फोकस था, किया। तो आप अगर फॉरन एवरेज देखेंगे तो मैम 6-7-8 घंटे में करता था पढ़ाई। ओके ओके 6 to 8 hours, यस मैम। राइट। ओके, अब हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। तो आपने पहला, मैं आपको ना जीए का पूछूंगी कि जीए का आपने कौन सा सोर्स लिया था पढ़ने का, कौन सा सोर्स आपने फॉलो किया था जीए के लिए? ये मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल सोर्स लिया है मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा एक हैबिट है मैम न्यूज़पेपर पढ़ने का, पिछले 2-2.5 साल से ना मैं उसको कर रहा हूँ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर सिर्फ 10 साल में टेक ऑफ इंप्रूविंग माई इंग्लिश ऐसा नहीं, पूरा मेरे को पढ़ना है टॉप, मतलब कि फ्रंट पेज से लेके एंड पेज, स्पोर्ट्स तक मेरे को पूरा जाना है। तो मैं उसको 1 आवर 1 आवर हाफ 1 एंड हाफ आवर में उसको मैं खत्म कर देता था। और खत्म करने के बाद मैं नोट्स बनाता था कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रंट पेज में कौन सा है, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से बहुत हेल्प करता है, आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं नोट बनाता था और मैं फिर मैंने कपिल काठपाल सर की वीडियो यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया था। कपिल काठपाल सर की वीडियो देखने के बाद मैंने आशीष बर्मन सर को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इन दोनों के वीडियो देखता था और प्लस न्यूज पेपर के मेरे नोट्स बने हुए थे, एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करता था और वो उनके यूट्यूब पे सेशन होते थे, मैराथन सेशन होते थे, वो देख लेता। अच्छा अच्छा मैंने भी एक्चुअली यही फॉलो किया था, एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर पार्ट। कपिल काटपाल सर, फिर आशीष गौतम सर, इनको ही मैंने भी फॉलो किया था मेरे प्रिपरेशन के दौरान। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो है आपका क्वांट्स। क्वांट्स के लिए आपने क्या किया है? क्वांट के लिए मैंने अंकुश लांबा सर का मैंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया था कि मैं वीआईपी फोकस करता था। तो अगर बी की बात करूं तो बी में मैंने एक उनकी बुक आई थी 100 DI करके, एक बुक है 1000 DI करके, तो वो बुक मैंने परचेज किया था और वो पूरा बुक मैंने सॉल्व कर दिया था, 2 बार सॉल्व किया मैंने। तो ओके मेरे ओके बी के डीआई के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे। वही एक्चुअली होता क्या है ना, मतलब कि मेंस में जो डीआई आता है वो प्री के बेसिक्स पे मतलब कि बना होता है। अगर आपका प्री का बेसिक क्लियर है तो आप मेंस में जब जाओगे तो इससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा घुमाता है एग्जामिनर। तो फिर मैंने क्या किया, अंकुश लंबा सर की मैंने मेंस डीआई की क्लासेस स्टार्ट कर दी, और अगर आशीष अरोड़ा सर की जो क्लासेस थी, तो मैं जो टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईपीआई, मैं इन वाले के टॉपिक्स के मैंने क्लासेस देख ली रिकॉर्डिंग। फिर मैं मैक्सिमम फोकस मैंने मॉक में दिया था, तो मॉक में मेरे आ जाता था। अगर पीओ का मॉक है तो आउट ऑफ 35 मेरे 25, 27, 28 आ जाता था, और क्लास में भी मैं अगर करूँ तो 30, 31 आ जाता था मॉक। तो आपने मेनली यहाँ पे 1000 DI का जो बुक है वो आपने किया है, और अंकुश लांबा सर के क्लासेस आपने किए, और आशीष अरोड़ा सर के क्लासेस किए क्वांट्स के लिए। इसके अलावा कोई बुक आपने, और कोई बुक रेफर किया क्वांट्स के लिए? मैम एक बुक मैंने रेफर किया था क्वांटा करके, आशीष सर द्वारा की हाँ, बुक क्वांटा। है। उसके लेवल 1 वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, लेवल 1 वाले क्वेश्चन और लेवल 2 के क्वेश्चन मिस किए थोड़े बहुत, मैंने सॉल्व किए। जो जो मेरे टॉपिक मेरे कवर हो जाते थे उनको मैं करता था। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आशीष सर की टेलीग्राम में जो चेकलिस्ट आती है, अच्छा। उसमें मैम सिंप्लीफिकेशन मीटिंग नंबर से नहीं, राउंड नंबर से नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं डेली करता था। मैं 20 जितना होता था 20 मिनट में डेली करता था। तो ओके इससे क्या ओके होता था, इसमें मेरा स्पीड डेवलप हो गया था। तो मैं मैम 7-8 मिनट में, 6-7 मिनट में इनको मैं खत्म कर लेता हूँ, ओके बाकी ठीक तो फिर है ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के लिए आपने क्या किया था? बस आपको फॉलो किया और कुछ नहीं किया और मैम, इंग्लिश के लिए आपको ही फॉलो किया है। और न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत हेल्प किया है मैम, न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ एरर डिटेक्शन के लिए आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका एक कोर्स था मैम अनअकैडमी 2020 का IBPS PO मेंस के लिए 10 लेसन थे, उसको मैंने किया था मैम एग्जाम के पहले। और बाकी आपके क्लासेस जितने भी आप यूट्यूब पे ले रहे थे फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए, लाइव या तो ज्वाइन करता था, लाइव जाता था मैं उसको रिकॉर्डिंग देख लेता। तो रिकॉर्डिंग आपके देख। क्लास आपके क्लासेस देखने से क्या होता था कि जैसा लेवल का क्वेश्चन आप कराते थे और मैम एग्जाम में भी क्या मेरे को एग्जैक्ट वही सेम लेवल मिलता था, कुछ अलग मेरे को देखने को नहीं मिला कि आपने कुछ कराया है मेरे को एग्जाम में जाए प्रॉब्लम मिला है। इसलिए मैं मेरे मेंस में आउट ऑफ 40 37.5 आया है IBPS ओके में। ओके
तो हाँ, तो इंग्लिश में मैम आपके क्लासेस से बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और सिर्फ आपके क्लासेस से इंग्लिश प्री मेंटेनिंग के लिए मैम आपकी क्लासेस इंग्लिश में आप कराते थे, तो वो इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता था, क्योंकि इंटरव्यू में आप अगर इंग्लिश यूज कर रहे हो तो आप अगर आपके आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा वहाँ पर बेटर रहता है, कि मैं फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, कि वो जो बोर्ड मेंबर्स है वो मुझसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं मैं उनको क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, क्लियरली मैं मतलब कि आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग मतलब ये नहीं कि आप मन में पढ़ रहे हो, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे मैम स्कूल में एकदम खड़े होके एकदम जोर जोर से पढ़ना, वैसा रीडिंग है पूरा, उससे आपको सुन भी रहे हो कि आपके माइंड में जा भी रहा है कि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, तो उसमें आपको पता चल जाता है गलती कहाँ पे हो रही है, इसलिए वो बहुत हेल्प किया था न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होता है, वोकैबुलरी हमारा स्ट्रांग हो जाता है और रीडिंग स्किल्स हमारा डेवलप होता है, जिससे कि आरसी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम में। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत हेल्प करता है, क्योंकि टॉपिक से हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं ना। हाँ तो नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग के लिए आपने क्या किया था बताइए। को मैंने फॉलो किया है, शुरू से लेके अंत तक मैम मैंने उनको ही फॉलो किया है, तो अंकुश शर्मा सर की क्लासेस फ्री के लिए तो यूट्यूब पे जो वो लेते थे सेशन, उनकी 1000 पजल सीरीज क्लास एक सीरीज प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, उसको मैंने फॉलो किया था। उनके जो कंसेप्ट थे मैम, थ्रेड मेथड हो गया, डॉट मेथड हो गया, फिंगर रूल हो गया, जितने भी है थ्रेड मेथड अगर आपको आ जाता है, मैं बता रहा हूँ मैम, जो पजल मैम पहले जब मैं खुद से प्रिपरेशन ले रहा था, जब 4 मिनट 4.5 मिनट लगता था मैम, 1.5-2 मिनट में सॉल्व हो जाता है पजल, ठीक है, मतलब कंडीशन देखिए आपका ऐसा स्पीड डेवलप हो जाता है। तो अंकुश नाम मतलब मैं तो बोलूंगा मैं रीजनिंग के बेस्ट और कोई आएगा मेंस के लिए भी, मैंने भी एंड उन्हीं को फॉलो किया था रीजनिंग के लिए। हाँ मैम उनकी क्लासेस बेस्ट है मैम, और रीजनिंग मेंस के जो पजल का क्वालिटी होता है ना उनका, आप जब वो पजल के क्वालिटी वाले मेंस से देखते हो तो फिर आपको एक्चुअल एग्जाम लेवल ही मिलता है वहाँ पे, तो उनकी क्लास बेस्ट है रीजनिंग के लिए मैम उनको कॉल की। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, जैसे कि आपने कहा है कि आपने गाइडली का आपने मॉक लिया था डिस्क्रिप्टिव के लिए। था और मॉक लिया था और लेटर राइट और फॉर्मेट मैटर करता है ना यहाँ पे, तो उनका उनका जो सोल्यूशन होता था गाइडिंग वालों का वो एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में दिखा देते थे, ये एक्चुअल फॉर्मेट है, तो मैम आउट ऑफ 25 गाइडिंग में ऑन एन एवरेज मेरा 24 23 24.75 25 ऐसा स्कोर आ रहा था, तो उसमें मैंने मैम 10 मॉक दिए थे गाइडिंग के डिस्क्रिप्टिव के लिए, टाइपिंग स्पीड भी मेरा ओके था मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, 40 WPM तक आता था मेरा टाइपिंग स्पीड, तो उसमें ठीक है। और आपका तो यहाँ पे तो सारे हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए हैं। अब जो आता है वो है इंटरव्यू फेज। तो इंटरव्यू फेज के लिए मतलब अलग से आपने क्या किया है, क्योंकि वहां पे बैंकिंग अवेयरनेस रहती है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने वो कैसे प्रिपेयर किया। मैम इंटरव्यू के लिए सबसे पहला रोल है न्यूज पेपर का, अगर आप न्यूज पेपर कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर उनके लिए बोर्ड मेंबर्स के लिए, वो ना किसी ऑनलाइन साइट को फॉलो करते हैं ना कोई डेली ऐप को फॉलो करते हैं, नहीं, उनके लिए करंट अफेयर न्यूज पेपर ही है, न्यूज़पेपर ही उनका है। डेली न्यूज पेपर जो उनके पास आ रहा है वही उनका वो हेडलाइन कैच करनी होती है। मैम मैंने इंटरव्यू दिया था तब सीरिया और टर्की में मैम अर्थक्वेक गया था, मुझसे उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, एयरो इंडिया बेंगलुरु में शो चल रहा था, मैं डिफेंस एक्सपो शो चल रहा था उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंस मैंने न्यूज पेपर रीडिंग किया था बहुत हेल्प किया था मेरे को वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए, एंड स्टैटिक के लिए मैम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने अड्डा 247 का एक बुक आता है मैम, स्टैटिक अवेयरनेस एंड हाँ, बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस का हाँ आता है। बुक आता है, वो बुक मैंने पूरा स्टैटिक वाला पार्ट मैंने कवर किया था, बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है वो मैंने पूरा अच्छे से कवर किया था, और इसके अलावा मैम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं मैथ में जैसे एनपीए का मैनेजमेंट वगैरह इन सब के बारे में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, इसको मैंने अनिल अग्रवाल सर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने यस वो वाले टॉपिक हाँ उसके टॉपिक्स के मैंने वीडियोस देखे थे, तो वो मेरे से जब क्योंकि जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, उनको मेरे से जैसे मैंने पता चल गया उनको कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने पूरा एकदम करंट अफेयर्स कवर किया, वो बैंकिंग में कुछ गए ही नहीं, तो वो पूरा पूछा कि जो आपका टर्किश एरिया में जो अर्थक्वेक हुआ है वो ऑपरेशन का नाम क्या है, इंडिया ने कैसे उनको हेल्प किया है, क्या क्या इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए इंडिया ने, डिफेंस एक्सपो को किसने इनॉग्रेट किया था, कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और क्या क्या वहाँ पे शोकेस किया गया था इंडिया की तरफ से, और पूरा करंट अफेयर से फोकस था, बाकी 4 लोग जो थे मेंबर बोर्ड में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था बैंकिंग के लिए कि मनी सप्लाई क्या होता है, आप रिस्क बैंक में रिस्क कौन कौन से होते हैं, आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछा था मुझसे एक मैम ने, ठीक है, सिंस मेरा हॉबी मैम मैं पहले गिटार सिखाता था, मैं जब जोधपुर में था गिटार सिखाता था, और मेरे को सिंगिंग और गिटार का बहुत ज्यादा शौक है, तो
उन्होंने मुझसे हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा कि आप गिटारिस्ट के नाम बताए, आप गिटार में क्या सिखाते थे, जस्ट टू क्रॉस चेक कि मैंने जो मैं बोल रहा हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं। वो जेन्युइन है कि नहीं। वो बना बना के तो नहीं बोल रहा, क्रॉस चेक करने के लिए उससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप मुझे सिचुएशन टेस्ट दे गया था कि आपको अगर हम रूरल वाले कोचिंग देते हैं तो वहाँ पे आप एनपीए मैनेजर लोगों कैसे अवेयर करोगे कि वो आपका बैंक में आके अपना बैंक अकाउंट खोले, वहाँ पे लोग कैसे अवेयर करोगे, वहाँ पे एनपीए कैसे रिड्यूस करोगे, ऐसा सिचुएशन एक टेस्ट दिया गया था। तो वो बैंकिंग अवेयरनेस का जो बुक है और हमें लगा सकते हैं जो प्लेलिस्ट है, प्लस यूट्यूब पर रीडिंग, ये तीनों चीज मिला के। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना आपका जो क्या बोलते हैं ना कि आपको यहाँ तो स्टार्ट विद द बैंक, आपको जो वो पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपने प्रिसाइज एकदम कॉन्साइज वे में अगर बोला है एंड टू द पॉइंट बोला है, तभी आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो वो मैं मिरर के सामने बैठ के उसको मैं प्रैक्टिस करता था कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, एकदम पॉस्चर वगैरह मेंटेन करके पूरा अच्छे से, जैसे उनके सामने बैठा हूँ वैसे कि मैं प्रैक्टिस। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा अमिताभ। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर अमिताभ से और कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो अमिताभ जरूर आपका जवाब देगा, आपके सवालों का देंगे ना आप जवाब। हाँ, तो अमिताभ जरूर जवाब देंगे आपके सवालों का। और अमिताभ, मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ आपके करियर के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जॉइनिंग, सब कुछ बहुत स्मूथली हो और बैंकिंग में आपका करियर बहुत ही बढ़िया हो। थैंक यू सो मच अमिताभ। अगर आपको कुछ और बोलना है, कुछ एडवाइस देना है कैंडिडेट्स को, वो आप दे सकते हो। कुछ टिप्स है अगर आपके तरफ से तो वो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा जो तो मेंटेन करना है जितना एस्पिरेंट है वो है पेशेंस, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हो लेकिन आपको पेशेंस नहीं, आप डिसिप्लिन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे ज्यादा देर में। तो मैक्सिमम आपको पेशेंस डेवलप करना है, क्योंकि आप अगर पजल लेके बैठ रहे हो, मेन पजल पजल मेन डीआई लेके बैठ रहे हो, जब तक वो होगा नहीं तब आपको उठना नहीं है, क्योंकि पेशेंस ही मैटर करता है। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत लोग आपसे मतलब कि देखोगे कि सक्सेसफुल अगर देखोगे तो आप देखोगे यार इन लोगों का इतना जल्दी जल्दी होता है, लेकिन हर किसी का ना पेस सेम नहीं होता। तो पेशेंस बहुत ज्यादा डेवलप करना है। और अगर एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पर्टिकुलरली पीओ की टारगेट है तो इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं बहुत से एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि वो 80-20 का रेशियो देख लेते हैं कि 80% वेटेज है मुझे मेंस के मार्क्स मिल रहा है एंड 20% मुझे इंटरव्यू में मिलता है। तो अगर वो सपोज अगर मेंस पास का स्कोर कर लेते हैं तो वो इंटरव्यू को उतना केयर नहीं करते उसके बारे में, तो उसमें तो मैं कैसा भी परफॉर्म कर दूँ मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका इंटरव्यू भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बहुत लोग हैं मैम जिनका इस बार मैम जब रिजल्ट निकला था, बहुत लोग ऐसे थे मैम जिनका मेंस के मैम +15 +10 था, बट इंटरव्यू के मैम 35% 40% से नीचे आ गए थे, तो इंटरव्यू में फेल हो गए। तो आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप पीओ एस्पिरेंट हैं। और ऐसा कुछ आप अगर बैंकिंग करना है आपको दोनों को साथ में लेके करना है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अगर पीओ का तो पीओ का पेपर ही दो और क्लर्क है तो क्लर्क का पेपर दो, आपको सबका पेपर साथ में लेना है, बैंकर बनना है आप, पीओ बनो क्लर्क बनो वही वही तो। बात है। और अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप क्लर्क में ज्वाइन करके भी ऑफिसर बन सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं। बैंकिंग का बिल्कुल प्रमोशन पॉलिसी जो है वो बहुत ही फास्ट है, दूसरे सेक्टर्स जैसा नहीं है, बहुत फास्ट प्रमोशन होता है बैंक में। बिल्कुल ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अमिताभ फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद अस। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे बहुतों को फायदा होगा ये सुनने के बाद, और आपका जो एक्सपीरियंस है ये सुन के बहुत लोग सही दिशा में जाएंगे अपना प्रिपरेशन लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ओके, फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बाय।